नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुन्नौर कस्बे सहित क्षेत्र में विद्युत समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के गुन्नौर अध्यक्ष नरेश द्विवेदी के नेतृत्व में कनिष्ठ यंत्री विद्युत ऑफिस के सामने दिया धरना और सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुन्नौर के अध्यक्ष जय नरेश द्विवेदी के नेतृत्व में विद्युत मंडल ऑफिस गुन्नौर के सामने धरना प्रदर्शन किया व महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार गुन्नौर दिव्या जैन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि कांग्रेस के शासनकाल में विद्युत उपभोक्ताओं को विभिन्न योजनाओं में दी जा रही राहत को भारतीय जनता पार्टी सरकार में बंद कर दी गई है, जिसे चालू कराया जाए व किसानों के लिए इंदिरा किसान ज्योति योजना का लाभ दिया जाए, कोरोना महामारी के समय बिजली बिल में राहत दी जाए, साथ ही क्षेत्र के गाँव में खराब पड़े विद्युत ट्रांसफार्मर को बदला जाए, स्टेशनरों के रख रखाव के नाम पर अघोषित कटौती बंद की जाए, बिजली से मृत जानवरों के मालिकों को 25,000 रुपये की मुआवजा राशि दी जाए, सौभाग्य योजना में किए गए भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए एवं किसानों को सब्सिडी चालू कराई जाए तथा नगर पंचायत गुन्नौर के वार्ड क्रमांक 15 आदिवासी बस्ती छिगम्मा में 4 माह से खराब पड़े विद्युत ट्रांसफार्मर को तत्काल बदलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुन्नौर अध्यक्ष जय नरेश द्विवेदी, राजू जैन, श्रीकांत तिवारी, अनूप तिवारी, रामजी दुबे, वद्री पटेल, विनोद विलोहा, कल्लू पटेल, राम शिरोमणि द्विवेदी, श्रीकांत नायक, मानवेंद्र सिंह, अंगद प्रजापति, संतोला चौधरी, दिव्यांशु दानसिया, प्रतिपाल पटेल, राममिलन चौधरी, दरबारी चौधरी, लखन चौधरी, बारेलाल चौधरी, रज्जू चौधरी सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली के नाम पर जो लूट की जा रही है, इस संबंध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश में पन्ना के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज विद्युत ऑफिस गुन्नौर में धरना प्रदर्शन करके वो ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि जो कांग्रेस के शासनकाल में इंदिरा गृह ज्योति योजना, इंदिरा किसान ज्योति योजना में उपभोक्ताओं को जो राहत दी गई थी, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया है, उसको चालू कराया जाए। साथ ही जो विद्युत मंडल का निजीकरण हो रहा है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। क्षेत्र में विभिन्न ग्रामों में ट्रांसफार्मर खराब हैं, वहां पर तत्काल बदले जाए। इन्हीं सब विद्युत मंडल की और भी अन्य समस्याओं के संबंध में आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम तहसीलदार गुन्नौर मैडम दिव्या जैन जी को ज्ञापन सौंपा गया। उससे क्योंकि रख रखाव के नाम पर 6-6 घंटा विद्युत बंद रहती है, विभिन्न ग्रामों में सैकड़ों ग्राम ऐसे हैं जहां पर ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए हैं, गांव में अंधेरा छाया है। आज यह एक चेतावनी रूप में यह ज्ञापन दिया गया है, यदि इनका जल्द से जल्द निराकरण नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी बृहद घेराव करके बृहद आंदोलन करेगी।